मुस्कुराते हुए मंजर से निकल आते हैं, जबान मेरी लेकिन शख्सियत आपकी। मुस्कुराते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समंदर से निकल आते हैं। तो ये सत्तार साहब की शख्सियत है। मैं सर एक कौमी एकता तराना नजर कर रहा हूं, तमाम अपने भाइयों से तवज्जो चाहूंगा। और आपके शासन में मैं भी तलबगार हूं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इतने इतने बड़े काम होते हैं, तो ये छोटी नाचीज भी इस कार्यकाल का हिस्सा बनना चाहता है। मैं ये तमाम अपनी चीजें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, समाप्त फरमाएं। हेलो भाई, थोड़ी वाली। हेलो 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 भाई, हेलो 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 हेलो। जो सामने खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी भाई। हेलो, सामने वाले हट जाएं। थोड़ा कीबोर्ड लाउड करना। मंत्री साहब पे इतना वक्त नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कर स्टार्ट कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। ला 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 पहले चार मिसरे अपने मुल्क में दुआओं की दरख्वास्त अल्लाह से इल्तिजा करते हुए। जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ऊपर एक तिरंगा रहने दो, ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। सरकार गरीब नवाज का और सारा है। चार
चार मिसरे पढ़ रहा हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को मद्देनजर रखकर। मुझसे ना टकराए कोई चीन हो या जापान, मुझसे ना टकराए कोई चीन हो या जापान, मुझसे ना टकराए कोई चीन हो या जापान, अमरीका हो रूस हो चाहे हो वो पाकिस्तान, मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान, टकराना खेल नहीं आसान, ये फाजा का देश है इसका नाम है हिंदुस्तान, विचारधारा है। आपने कहा जहां सत्तार वहां सत्ता, इन चार मिसरों को नजर कर रहा हूं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं हम, अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इंसान के गम में दूसरा इंसान तड़प उठे, काश इतना प्यार दोनों तरफ के दिलों में हो, हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। सर मतलब नजर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका नारा है, सबका नारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है, और हमारे पास भी, तो इसलिए जल्दी कर रहा हूं। यहां है बहती गंगा जमुना शीतल जल की धार लिए, यहां फिरा करती है बहारे फूलों का श्रृंगार किए, जन्नत से भी देखो है कितनी अच्छी तस्वीर, जन्नत से प्यारा है देखो क्या अपना कश्मीर, दुश्मन का वार सहल तरीके से रुकेगा, भारत का तिरंगा न झुका है न झुकेगा, ये भारत माध्यम से आपके गोपाल साहब और सर के सामने एक नज़म पेश करना चाहता हूं, लेकिन साइलेंट रहना प्लीज। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।
मोहब्बत ही से चलता है निजामे दो जहां, सुन लो मोहब्बत का ही सिक्का चलता है सारे जमाने में। ये नफरत रख के दिल में तुम सुकून से जी नहीं सकते, मोहब्बत से महक आती है दिल के आशियाने में। मुझे पता चला कि सिल्लोड़ में तमाम हिंदू भाइयों के गढ़ में आप जीत के आते हैं, तो ये मोहब्बत ही तो है। मोहब्बत का ही सिक्का चलता है सारे जमाने में। ये नफरत रख के दिल में तुम सुकून से जी नहीं सकते, मोहब्बत से महकाती है दिल के आशियाने में। सभी अहले वतन सुन ले, वो सिख हो हिंदू या मुस्लिम, जरा गीता को पढ़ लो तर्जुमा कुरान का कर लो। बताओ फिर मुझे किस धर्म ने सिखलाई है नफरत, कहा किसने कि तुमसे खोसे धरती लाल तुम कर लो। कभी क्या राम जी ने बेकसों पे जुल्म उठाया था, गरीबों पर कभी क्या शस्त्र खाना ने चलाया था, गुरु गोविंद जी ने क्या निहत्तों को कभी मारा, सबक किस दम गुरु नानक ने नफरत का सिखाया था। मुसलमानों से भी मैं पूछता हूँ, तुम भी बतला दो, कहे इस्लाम का क्या मर्तबा दुनिया को बतला दो। हदीस मुस्तफा कहे जरा तुम मुझको समझा दो, सहाबा ने कभी क्या जुल्म उठाया मुझको बतला दो। किसी मजहब ने जबकि जुल्म करना ही न सिखलाया, फिर आपस में भला क्यों लड़ते हो, इतना कहो भाई हो जब तुम राम वाले और मोहम्मद मुस्तफा वाले, तो पुर भूजेल और रावण की फितरत तुम में क्यों आई। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम लड़े से लड़ जाओ, लड़ाई के लिए मिलकर सभी सरहद पे तुम जाओ। अली की तरह हम दिखलाएंगे तलवार के जौहर, तुम अर्जुन की तरह सब दुश्मनों पे तीर बरसाओ, मगर आपस में तो एक दूसरे की जान बन जाओ। ये भारत माँ है सबकी माँ, तुम इस पर जुल्म मत ढाओ। मोहब्बत से ए आसिफ तुम सभी को इतना समझाओ कि दुश्मन का वार सहल तरीके से रुकेगा, भारत का तिरंगा न झुका है न झुकेगा।